दोस्तों, अगर आप भी शेरशाह मूवी को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं शेरशाह मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन से और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। 12 अगस्त 2021 को रिलीज हुई वॉर एक्शन मूवी शेरशाह। इस मूवी को डायरेक्ट किया विष्णु वर्धन ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया विष्णु वर्धन ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, यह मूवी आपको देखने को भी मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। इस मूवी को 54% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की IMDb रीडिंग की, तो 10 में से 8.3 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। और दोस्तों, इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों, इस मूवी को 92% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों, इस मूवी के अंदर आपको सिद्धार्थ मल्होत्रा, कियारा आडवाणी, मनमीत कौर, मुनीरा कुदरती, शिव पंडित, सताब फिगर आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो यह मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए। ये बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी, तो धर्मा प्रोडक्शन द्वारा इस यह मूवी को डायरेक्ट किया गया है। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में, तो मई 2019 में घोषित मुख्य फोटोग्राफी उसी महीने शुरू हुई है, जनवरी 2020 में समाप्त हुई है। शुरुआत में 3 जुलाई 2020 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण फिल्म को स्थगित कर दिया गया है। फिल्म को प्राइम 12 अगस्त 2021 को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया था। शेरशाह को आलोचना और दर्शकों दोनों से ही सकारात्मक समीक्षा मिली है। अभिनय विशेष रूप से मल्होत्रा और आडवाणी की, निर्देश संगीत छायांकन एक्शन स्केच संपन्न दृश्य भावुकों का आलोचना और काफी प्रशंसा मिली है। हालांकि लेखक और आलोचनाओं मिली, 31 अगस्त 2021 को अमेजन ने कहा कि शेरशाह भारत में प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा देखने वाली भारतीय फिल्म बन गई है। युवा विक्रम क्रिकेट खेल रहा होता है, तभी वह एक गेंद को लेकर बड़े किशोर बच्चे के से झगड़ा पाता है, जिससे उसके निडर स्वभाव का पता चलता है, जिसे वह बाद में जाना चाहता है। विक्रम टीवी सीरीज परमवीर चक्र देखकर भारतीय सेना में शामिल होने की अपनी इच्छा के बारे में बात करता है। जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है, सेना में शामिल होने की उसकी इच्छा और भी तीव्र होती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी की कहानी है। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। शेरशाह ने 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मल्होत्रा और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आडवाणी सहित 19 नामांकन के साथ नृत्य किया, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णु वर्धन, सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक तानिष्क बागची, बी प्राक, जसलीन रोयल, जावेद मोहसिन और विक्रम मोटरोस, सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक प्राक मन भारिया के लिए एक, और श्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका आशीष कौर रतन लांबिया के लिए सहित 7 नामांकन जीते हैं। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में फिल्म के विशेष जूरी पुरस्कार फीचर फिल्म विष्णु वर्धन और जोर ने जीता है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को
को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। इस मूवी की कहानी भी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की कहानी भी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, यह मूवी आपको क्लिप वाइज फेसबुक पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आप एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों, आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, यह मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो की OTT प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों, अगर आप भी शेरशाह मूवी को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं शेरशाह मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन से आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। 12 अगस्त 2021 को रिलीज हुई वॉर एक्शन मूवी शेरशाह, इस मूवी को डायरेक्ट के विष्णु वर्धन ने, हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट के विष्णु वर्धन ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, यह मूवी आपको देखने को भी मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। इस मूवी को 54% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की IMDB रीडिंग की, तो 10 में से 8.3 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। और दोस्तों, इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों, इस मूवी को 92% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको सिद्धार्थ मल्होत्रा, कियारा आडवाणी, मनमीत कौर, मुनीरा कुदरती, शिव पंडित, सताब फिगर आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो यह मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए। ये बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी, तो धर्मा प्रोडक्शन द्वारा इस यह मूवी को डायरेक्ट किया गया है। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में, तो मई 2019 में घोषित मुख्य फोटोग्राफी उसी महीने शुरू हुई है, जनवरी 2020 में समाप्त हुई है। शुरुआत में 3 जुलाई 2020 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण फिल्म को स्थगित कर दिया गया है। फिल्म को प्राइम 12 अगस्त 2021 को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया था। शेरशाह को आलोचना और दर्शकों दोनों से ही सकारात्मक समीक्षा मिली है। अभिनय विशेष रूप से मल्होत्रा और आडवाणी की, निर्देश संगीत छायांकन एक्शन स्केच संपन्न दृश्य भावुकों का आलोचना और काफी प्रशंसा मिली है। हालांकि लेखक और आलोचनाओं मिली 31 अगस्त 2021 को अमेजन ने कहा कि शेरशाह भारत में प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा देखने वाली भारतीय फिल्म बन गई है।
युवा विक्रम क्रिकेट खेल रहा होता है, तभी वह एक गेंद को लेकर बड़े किशोर बच्चे के से झगड़ा पाता है, जिससे उसके निडर स्वभाव का पता चलता है, जिसे वह बाद में जाना चाहता है। विक्रम टीवी सीरीज परमवीर चक्र देखकर भारतीय सेना में शामिल होने की अपनी इच्छा के बारे में बात करता है। जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है, सेना में शामिल होने की उसकी इच्छा और भी तीव्र होती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी की कहानी है। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। शेरशाह ने 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मल्होत्रा और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आडवाणी सहित 19 नामांकन के साथ नृत्य किया और सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णु वर्धन, सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक तानिष्क बागची, बी प्राक, जसलीन रोयल, जावेद मोहसिन और विक्रम मोटरोस, सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक प्राक मन भारिया के लिए एक और सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका आशीष कौर रतन लांबिया के लिए सहित 7 नामांकन जीते हैं। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में फिल्म के विशेष जूरी पुरस्कार फीचर फिल्म विष्णु वर्धन और जोर ने जीता है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। इस मूवी की कहानी भी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की कहानी भी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, यह मूवी आपको क्लिप वाइज फेसबुक पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आप एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों, आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, यह मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो की OTT प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों, अगर आप भी शेरशाह मूवी को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं शेरशाह मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन से आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। 12 अगस्त 2021 को रिलीज हुई वॉर एक्शन मूवी शेरशाह, इस मूवी को डायरेक्ट किया विष्णु वर्धन ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया विष्णु वर्धन ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, यह मूवी आपको देखने को भी मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। इस मूवी को 54% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की IMDb रीडिंग की, तो 10 में से 8.3 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। और दोस्तों, इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों, इस मूवी को 92% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों, इस मूवी के अंदर आपको सिद्धार्थ मल्होत्रा, कियारा आडवाणी,
मनमीत कौर, मुनीरा कुदरती, शिव पंडित, सताब फिगर आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो यह मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए। ये बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी धर्मा प्रोडक्शन द्वारा इस यह मूवी को डायरेक्ट किया गया है। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तो मई 2019 में घोषित मुख्य फोटोग्राफी उसी महीने शुरू हुई है, जनवरी 2020 में समाप्त हुई है। शुरुआत में 3 जुलाई 2020 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण फिल्म को स्थगित कर दिया गया है। फिल्म को प्राइम 12 अगस्त 2021 को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया था। शेरशाह को आलोचना और दर्शकों दोनों से ही सकारात्मक समीक्षा मिली है। अभिनय विशेष रूप से मल्होत्रा और आडवाणी की निर्देश, संगीत, छायांकन, एक्शन के संपन्न दृश्य, भावुकों का आलोचना और काफी प्रशंसा मिली है। हालांकि लेखक और आलोचनाओं मिली 31 अगस्त 2021 को अमेजन ने कहा कि शेरशाह भारत में प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा देखने वाली भारतीय फिल्म बन गई है। युवा विक्रम क्रिकेट खेल रहा होता है, तभी वह एक गेंद को लेकर बड़े किशोर बच्चे के से झगड़ा पाता है, जिससे उसके निडर स्वभाव का पता चलता है, जिसे वह बाद में जाना चाहता है। विक्रम टीवी सीरीज परमवीर चक्र देखकर भारतीय सेना में शामिल होने की अपनी इच्छा के बारे में बात करता है। जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है, सेना में शामिल होने की उसकी इच्छा और भी तीव्र होती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी की कहानी है। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। शेरशाह ने 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मल्होत्रा और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आडवाणी सहित 19 नामांकन के साथ नृत्य किया और सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णुवर्धन, सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक तानिष्क बागची, बी प्राक, जसलीन रोयल, जावेद मोहसिन और विक्रम मोटरोस, सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक प्राक मन भारिया के लिए एक और श्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका आशीष कौर रतन लांबिया के लिए सहित 7 नामांकन जीते हैं। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में फिल्म के विशेष जूरी पुरस्कार फीचर फिल्म विष्णुवर्धन और जोर ने जीता है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। इस मूवी की कहानी भी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की कहानी भी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, यह मूवी आपको क्लिप वाइज फेसबुक पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी आप एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों, आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, यह मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो की OTT प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों, अगर आप भी शेरशाह मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं शेरशाह मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन से आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। 12 अगस्त 2021 को रिलीज हुई वॉर एक्शन मूवी शेरशाह,
इस मूवी को डायरेक्ट किया विष्णु वर्धन ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया विष्णु वर्धन ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, यह मूवी आपको देखने को भी मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। इस मूवी को 54% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की IMDb रीडिंग की, तो 10 में से 8.3 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। और दोस्तों, इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों, इस मूवी को 92% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको सिद्धार्थ मल्होत्रा, कियारा आडवाणी, मनमीत कौर, मुनीरा कुदरती, शिव पंडित, सताब फिगर आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो यह मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए। ये बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी, तो धर्मा प्रोडक्शन द्वारा यह मूवी को डायरेक्ट किया गया है। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में, तो मई 2019 में घोषित मुख्य फोटोग्राफी उसी महीने शुरू हुई है, जनवरी 2020 में समाप्त हुई है। शुरुआत में 3 जुलाई 2020 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण फिल्म को स्थगित कर दिया गया है। फिल्म को प्राइम 12 अगस्त 2021 को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया था। शेरशाह को आलोचना दर्शकों दोनों से ही सकारात्मक समीक्षा मिली है। अभिनय विशेष रूप से मल्होत्रा और आडवाणी की, निर्देश संगीत छायांकन एक्शन स्केच संपन्न दृश्य भावुकों को आलोचना और काफी प्रशंसा मिली है। हालांकि लेखक और आलोचनाओं मिली 31 अगस्त 2021 को अमेजन ने कहा कि शेरशाह भारत में प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा देखने वाली भारतीय फिल्म बन गई है। युवा विक्रम क्रिकेट खेल रहा होता है, तभी वह एक गेंद को लेकर बड़े किशोर बच्चे के से झगड़ा पाता है, जिससे उसके निडर स्वभाव का पता चलता है, जिसे वह बाद में जाना चाहता है। विक्रम टीवी सीरीज परमवीर चक्र देखकर भारतीय सेना में शामिल होने की अपनी इच्छा के बारे में बात करता है। जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है, सेना में शामिल होने की उसकी इच्छा और भी तीव्र होती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी की कहानी है। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। शेरशाह ने 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मल्होत्रा और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आडवाणी सहित 19 नामांकन के साथ नृत्य किया, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णु वर्धन, सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक तानिष्क बागची, बी प्राक, जसलीन रोयल, जावेद मोहसिन और विक्रम मोटरस, सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक प्राक मन भारिया के लिए एक, और श्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका आशीष कौर रतन लांबिया के लिए सहित 7 नामांकन जीते हैं। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में फिल्म के विशेष जोरी पुरस्कार फीचर फिल्म विष्णु वर्धन और जोर ने जीता है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। इस मूवी की कहानी भी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की कहानी भी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, यह मूवी आपको क्लिप वाइज फेसबुक पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है।
तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आप एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो की OTT प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है, तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी शेरशाह मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं शेरशाह मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन से आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। 12 अगस्त 2021 को रिलीज हुई वॉर एक्शन मूवी शेरशाह, इस मूवी को डायरेक्ट के विष्णु वर्धन ने, हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट के विष्णु वर्धन ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको देखने को भी मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। इस मूवी को 54% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है, तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की IMDB रीडिंग की, तो 10 में से 8.3 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। और दोस्तों इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों इस मूवी को 92% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है, तो यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको सिद्धार्थ मल्होत्रा, कियारा आडवाणी, मनमीत कौर, मुनीरा कुदरती, शिव पंडित, सताब फिगर आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो यह मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए। ये बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी, तो धर्मा प्रोडक्शन द्वारा इस यह मूवी को डायरेक्ट किया गया है। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में, तो मई 2019 में घोषित मुख्य फोटोग्राफी उसी महीने शुरू हुई है, जनवरी 2020 में समाप्त हुई है। शुरुआत में 3 जुलाई 2020 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण फिल्म को स्थगित कर दिया गया है। फिल्म को प्राइम 12 अगस्त 2021 को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया था। शेरशाह को आलोचना दर्शकों दोनों से ही सकारात्मक समीक्षा मिली है। अभिनय विशेष रूप से मल्होत्रा और आडवाणी की, निर्देश संगीत छायांकन एक्शन स्केच संपन्न दृश्य भावकों का आलोचना और काफी प्रशंसा मिली है। हालांकि लेखक और आलोचनाओं मिली 31 अगस्त 2021 को अमेजन ने कहा कि शेरशाह भारत में प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा देखने वाली भारतीय फिल्म बन गई है। युवा विक्रम क्रिकेट खेल रहा होता है, तभी वह एक गेंद को लेकर बड़े किशोर बच्चे के से झगड़ा पाता है, जिससे उसके निडर स्वभाव का पता चलता है, जिसे वह बाद में जाना चाहता है। विक्रम टीवी सीरीज परमवीर चक्र देखकर भारतीय सेना में शामिल होने की अपनी इच्छा के बारे में बात करता है। जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है, सेना में शामिल होने की उसकी इच्छा और भी तीव्र होती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी है। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। शेरशाह ने 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मल्होत्रा
वो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आडवाणी सहित 19 नामांकन के साथ नृत्य किया और सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णु वर्धन, सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक तानिष्क बागची, बी प्राक, जसलीन रॉयल, जावेद मोहसिन और विक्रम मोटरोस, सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक प्राक मन भारिया के लिए एक और सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका आशीष कौर रतन लांबिया के लिए सहित 7 नामांकन जीते हैं। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में फिल्म के विशेष जूरी पुरस्कार फीचर फिल्म विष्णु वर्धन और जोर ने जीता है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। इस मूवी की कहानी भी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की कहानी भी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, यह मूवी आपको क्लिप वाइज फेसबुक पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आप एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों, आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, यह मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो की OTT प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों, अगर आप भी शेरशाह मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं शेरशाह मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन से आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। 12 अगस्त 2021 को रिलीज हुई वॉर एक्शन मूवी शेरशाह, इस मूवी को डायरेक्ट किया विष्णु वर्धन ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया विष्णु वर्धन ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, यह मूवी आपको देखने को भी मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। इस मूवी को 54% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की IMDB रीडिंग की, तो 10 में से 8.3 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। और दोस्तों, इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों, इस मूवी को 92% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों, इस मूवी के अंदर आपको सिद्धार्थ मल्होत्रा, कियारा आडवाणी, मनमीत कौर, मुनीरा कुदरती, शिव पंडित, सताब फिगर आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो यह मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए। ये बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी, तो धर्मा प्रोडक्शन द्वारा यह मूवी को डायरेक्ट किया गया है। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में, तो मई 2019 में घोषित मुख्य फोटोग्राफी उसी महीने शुरू हुई है, जनवरी 2020 में समाप्त हुई है। शुरुआत में तीन
जुलाई 2020 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोविड 19 महामारी के कारण फिल्म को स्थगित कर दिया गया है। फिल्म को प्राइम 12 अगस्त 2021 को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया था। शेरशाह को आलोचना दर्शकों दोनों से ही सकारात्मक समीक्षा मिली है। अभिनय विशेष रूप से मल्होत्रा और आडवाणी की, निर्देश संगीत छायांकन एक्शन स्केच संपन्न दृश्य भावकों का आलोचना और काफी प्रशंसा मिली है। हालांकि लेखक और आलोचनाओं मिली 31 अगस्त 2021 को अमेजन ने कहा कि शेरशाह भारत में प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा देखने वाली भारतीय फिल्म बन गई है। युवा विक्रम क्रिकेट खेल रहा होता है, तभी वह एक गेंद को लेकर बड़े किशोर बच्चे के से झगड़ा पाता है, जिससे उसके निडर स्वभाव का पता चलता है, जिसे वह बाद में जाना चाहता है। विक्रम टीवी सीरीज परमवीर चक्र देखकर भारतीय सेना में शामिल होने की अपनी इच्छा के बारे में बात करता है। जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है, सेना में शामिल होने की उसकी इच्छा और भी तीव्र होती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी की कहानी है। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। शेरशाह ने 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मल्होत्रा और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आडवाणी सहित 19 नामांकन के साथ नृत्य किया और सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णु वर्धन, सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक तानिष्क बागची, बी प्राक, जसलीन रोयल, जावेद मोहसिन और विक्रम मोटरस, सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक प्राक मन भारिया के लिए एक और श्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका आशीष कौर रतन लांबिया के लिए सहित 7 नामांकन जीते हैं। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में फिल्म के विशेष जूरी पुरस्कार फीचर फिल्म विष्णु वर्धन और जोर ने जीता है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। इस मूवी की कहानी भी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की कहानी भी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, यह मूवी आपको क्लिप वाइज फेसबुक पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आप एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों, आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, यह मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो की OTT प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों, अगर आप भी शेरशाह मूवी को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं शेरशाह मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन से आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। 12 अगस्त 2021 को रिलीज हुई वॉर एक्शन मूवी शेरशाह, इस मूवी को डायरेक्ट किया विष्णु वर्धन ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया विष्णु वर्धन ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है।
तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको देखने को भी मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। इस मूवी को 54% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग की, तो 10 में से 8.3 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। और दोस्तों इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों इस मूवी को 92% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको सिद्धार्थ मल्होत्रा, कियारा आडवाणी, मनमीत कौर, मुनीरा कुदरती, शिव पंडित, सताब फिगर आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो यह मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए। ये बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी, तो धर्मा प्रोडक्शन द्वारा इस यह मूवी को डायरेक्ट किया गया है। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में, तो मई 2019 में घोषित मुख्य फोटोग्राफी उसी महीने शुरू हुई है, जनवरी 2020 में समाप्त हुई है। शुरुआत में 3 जुलाई 2020 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण फिल्म को स्थगित कर दिया गया है। फिल्म को प्राइम 12 अगस्त 2021 को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया था। शेरशाह को आलोचना और दर्शकों दोनों से ही सकारात्मक समीक्षा मिली है। अभिनय विशेष रूप से मल्होत्रा और आडवाणी की, निर्देश संगीत छायांकन एक्शन स्केच संपन्न दृश्य भावुकों का आलोचना और काफी प्रशंसा मिली है। हालांकि लेखक और आलोचनाओं मिली 31 अगस्त 2021 को अमेजन ने कहा कि शेरशाह भारत में प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा देखने वाली भारतीय फिल्म बन गई है। युवा विक्रम क्रिकेट खेल रहा होता है, तभी वह एक गेंद को लेकर बड़े किशोर बच्चे के से झगड़ा पाता है, जिससे उसके निडर स्वभाव का पता चलता है, जिसे वह बाद में जाना चाहता है। विक्रम टीवी सीरीज परमवीर चक्र देखकर भारतीय सेना में शामिल होने की अपनी इच्छा के बारे में बात करता है। जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है, सेना में शामिल होने की उसकी इच्छा और भी तीव्र होती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी है। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। शेरशाह ने 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मल्होत्रा और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आडवाणी सहित 19 नामांकन के साथ नृत्य किया और सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णुवर्धन, सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक तानिष्क बागची, बी प्राक, जसलीन रोयल, जावेद मोहसिन और विक्रम मोटरोस, सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक प्राक मन भारिया के लिए एक और सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका आशीष कौर रतन लांबिया के लिए सहित 7 नामांकन जीते हैं। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में फिल्म के विशेष जूरी पुरस्कार फीचर फिल्म विष्णुवर्धन और जोर ने जीता है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। इस मूवी की कहानी भी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की कहानी भी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको क्लिप वाइज फेसबुक पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आप एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है, तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है, तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो की OTT प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।
दोस्तों अगर आप भी शेरशाह मूवी को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं शेरशाह मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन से आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। 12 अगस्त 2021 को रिलीज हुई वॉर एक्शन मूवी शेरशाह। इस मूवी को डायरेक्ट किया विष्णु वर्धन ने। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया विष्णु वर्धन ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों यह मूवी आपको देखने को भी मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। इस मूवी को 54% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है, तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की IMDb रीडिंग की, तो 10 में से 8.3 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है और दोस्तों इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों इस मूवी को 92% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है, तो यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको सिद्धार्थ मल्होत्रा, कियारा आडवाणी, मनमीत कौर, मुनीरा कुदरती, शिव पंडित, सताब फिगर आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो यह मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए। ये बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी, तो धर्मा प्रोडक्शन द्वारा इस यह मूवी को डायरेक्ट किया गया है। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में, तो मई 2019 में घोषित मुख्य फोटोग्राफी उसी महीने शुरू हुई है, जनवरी 2020 में समाप्त हुई है। शुरुआत में 3 जुलाई 2020 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण फिल्म को स्थगित कर दिया गया है। फिल्म को प्राइम 12 अगस्त 2021 को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया था। शेरशाह को आलोचना और दर्शकों दोनों से ही सकारात्मक समीक्षा मिली है। अभिनय विशेष रूप से मल्होत्रा और आडवाणी की, निर्देश संगीत छायांकन एक्शन इसके संपन्न दृश्य भावुकों का आलोचना और काफी प्रशंसा मिली है। हालांकि लेखक और आलोचनाओं मिली 31 अगस्त 2021 को अमेजन ने कहा कि शेरशाह भारत में प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा देखने वाली भारतीय फिल्म बन गई है। युवा विक्रम क्रिकेट खेल रहा होता है, तभी वह एक गेंद को लेकर बड़े किशोर बच्चे के से झगड़ा पाता है, जिससे उसके निडर स्वभाव का पता चलता है, जिसे वह बाद में जाना चाहता है। विक्रम टीवी सीरीज परमवीर चक्र देखकर भारतीय सेना में शामिल होने की अपनी इच्छा के बारे में बात करता है। जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है, सेना में शामिल होने की उसकी इच्छा और भी तीव्र होती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी है, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। शेरशाह ने 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मल्होत्रा और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आडवाणी सहित 19 नामांकन के साथ नृत्य किया और सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णु वर्धन, सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक तानिष्क बागची, बी प्राक, जसलीन रोयल, जावेद मोहसिन और विक्रम मोटरोस, सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक प्राक मन भारिया के लिए एक और श्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका आशीष कौर रतन लांबिया के लिए सहित 7 नामांकन जीते हैं। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में फिल्म के विशेष जूरी पुरस्कार फीचर फिल्म विष्णु वर्धन और जोर ने जीता है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को
को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। इस मूवी की कहानी भी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की कहानी भी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको क्लिप वाइज फेसबुक पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आप एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो की OTT प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी शेरशाह मूवी को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं शेरशाह मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन से आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। 12 अगस्त 2021 को रिलीज हुई वॉर एक्शन मूवी शेरशाह, इस मूवी को डायरेक्ट के विष्णु वर्धन ने, हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट के विष्णु वर्धन ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको देखने को भी मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। इस मूवी को 54% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की IMDB रीडिंग की, तो 10 में से 8.3 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। और दोस्तों इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों इस मूवी को 92% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको सिद्धार्थ मल्होत्रा, कियारा आडवाणी, मनमीत कौर, मुनीरा कुदरती, शिव पंडित, सताब फिगर आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो यह मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए। ये बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी, तो धर्मा प्रोडक्शन द्वारा इस यह मूवी को डायरेक्ट किया गया है। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में, तो मई 2019 में घोषित मुख्य फोटोग्राफी उसी महीने शुरू हुई है, जनवरी 2020 में समाप्त हुई है। शुरुआत में 3 जुलाई 2020 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण फिल्म को स्थगित कर दिया गया है। फिल्म को प्राइम 12 अगस्त 2021 को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया था। शेरशाह को आलोचना और दर्शकों दोनों से ही सकारात्मक समीक्षा मिली है। अभिनय विशेष रूप से मल्होत्रा और आडवाणी की, निर्देश संगीत छायांकन एक्शन स्केच संपन्न दृश्य भावुकों का आलोचना और काफी प्रशंसा मिली है। हालांकि लेखक और आलोचनाओं मिली 31 अगस्त 2021 को अमेजन ने कहा कि शेरशाह भारत में प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा देखने वाली भारतीय फिल्म बन गई है।
युवा विक्रम क्रिकेट खेल रहा होता है, तभी वह एक गेंद को लेकर बड़े किशोर बच्चे के से झगड़ा पाता है, जिससे उसके निडर स्वभाव का पता चलता है, जिसे वह बाद में जाना चाहता है। विक्रम टीवी सीरीज परमवीर चक्र देखकर भारतीय सेना में शामिल होने की अपनी इच्छा के बारे में बात करता है। जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है, सेना में शामिल होने की उसकी इच्छा और भी तीव्र होती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी की कहानी है। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। शेरशाह ने 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मल्होत्रा और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आडवाणी सहित 19 नामांकन के साथ नृत्य किया और सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णु वर्धन, सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक तानिष्क बागची, बी प्राक, जसलीन रोयल, जावेद मोहसिन और विक्रम मोटरोस, सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक प्राक मन भारिया के लिए एक और सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका आशीष कौर रतन लांबिया के लिए सहित 7 नामांकन जीते हैं। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में फिल्म के विशेष जूरी पुरस्कार फीचर फिल्म विष्णु वर्धन और जोर ने जीता है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। इस मूवी की कहानी भी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की कहानी भी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, यह मूवी आपको क्लिप वाइज फेसबुक पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आप एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों, आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, यह मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो की OTT प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों, अगर आप भी शेरशाह मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं शेरशाह मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन से आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। 12 अगस्त 2021 को रिलीज हुई वॉर एक्शन मूवी शेरशाह, इस मूवी को डायरेक्ट किया विष्णु वर्धन ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया विष्णु वर्धन ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, यह मूवी आपको देखने को भी मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। इस मूवी को 54% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की IMDb रीडिंग की, तो 10 में से 8.3 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। और दोस्तों, इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों, इस मूवी को 92% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों, इस मूवी के अंदर आपको सिद्धार्थ मल्होत्रा, कियारा आडवाणी,
मनमीत कौर, मुनीरा कुदरती, शिव पंडित, सता फिगर आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो यह मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए। ये बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी धर्मा प्रोडक्शन द्वारा इस यह मूवी को डायरेक्ट किया गया है। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तो मई 2019 में घोषित मुख्य फोटोग्राफी उसी महीने शुरू हुई है, जनवरी 2020 में समाप्त हुई है। शुरुआत में 3 जुलाई 2020 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण फिल्म को स्थगित कर दिया गया है। फिल्म को प्राइम 12 अगस्त 2021 को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया था। शेरशाह को आलोचना दर्शकों दोनों से ही सकारात्मक समीक्षा मिली है। अभिनय विशेष रूप से मल्होत्रा और आडवाणी की, निर्देश संगीत छायांकन एक्शन स्केच संपन्न दृश्य भावकों का आलोचना और काफी प्रशंसा मिली है। हालांकि लेखक और आलोचनाओं मिली 31 अगस्त 2021 को अमेजन ने कहा कि शेरशाह भारत में प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा देखने वाली भारतीय फिल्म बन गई है। युवा विक्रम क्रिकेट खेल रहा होता है, तभी वह एक गेंद को लेकर बड़े किशोर बच्चे के से झगड़ा पाता है, जिससे उसके निडर स्वभाव का पता चलता है, जिसे वह बाद में जाना चाहता है। विक्रम टीवी सीरीज परमवीर चक्र देखकर भारतीय सेना में शामिल होने की अपनी इच्छा के बारे में बात करता है। जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है, सेना में शामिल होने की उसकी इच्छा और भी तीव्र होती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी है। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। शेरशाह ने 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मल्होत्रा और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आडवाणी सहित 19 नामांकन के साथ नृत्य किया और सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णु वर्धन, सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक तानिष्क बागची, बी प्राक, जसलीन रोयल, जावेद मोहसिन और विक्रम मोटरस, सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक प्राक मन भारिया के लिए एक और श्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका आशीष कौर रतन लांबिया के लिए सहित 7 नामांकन जीते हैं। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में फिल्म के विशेष जूरी पुरस्कार फीचर फिल्म विष्णु वर्धन और जोर ने जीता है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। इस मूवी की कहानी भी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की कहानी भी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको क्लिप वाइज फेसबुक पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आप एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो की OTT प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी शेरशाह मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं शेरशाह मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन से आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। 12 अगस्त 2021 को रिलीज हुई वॉर एक्शन मूवी शेरशाह, इस मूवी को डायरेक्ट किया विष्णु वर्धन ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया विष्णु वर्धन ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस
मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, यह मूवी आपको देखने को भी मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। इस मूवी को 54% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की IMDb रीडिंग की, तो 10 में से 8.3 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। और दोस्तों, इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों, इस मूवी को 92% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको सिद्धार्थ मल्होत्रा, कियारा आडवाणी, मनमीत कौर, मुनीरा कुदरती, शिव पंडित, सताब फिगर आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो यह मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए। ये बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी, तो धर्मा प्रोडक्शन द्वारा यह मूवी को डायरेक्ट किया गया है। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में, तो मई 2019 में घोषित मुख्य फोटोग्राफी उसी महीने शुरू हुई है, जनवरी 2020 में समाप्त हुई है। शुरुआत में 3 जुलाई 2020 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण फिल्म को स्थगित कर दिया गया है। फिल्म को प्राइम 12 अगस्त 2021 को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया था। शेरशाह को आलोचना दर्शकों दोनों से ही सकारात्मक समीक्षा मिली है। अभिनय विशेष रूप से मल्होत्रा और आडवाणी की, निर्देश संगीत छायांकन एक्शन स्केच संपन्न दृश्य भावुकों का आलोचना और काफी प्रशंसा मिली है। हालांकि लेखक और आलोचनाओं मिली 31 अगस्त 2021 को अमेजन ने कहा कि शेरशाह भारत में प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा देखने वाली भारतीय फिल्म बन गई है। युवा विक्रम क्रिकेट खेल रहा होता है, तभी वह एक गेंद को लेकर बड़े किशोर बच्चे के से झगड़ा पाता है, जिससे उसके निडर स्वभाव का पता चलता है, जिसे वह बाद में जाना चाहता है। विक्रम टीवी सीरीज परमवीर चक्र देखकर भारतीय सेना में शामिल होने की अपनी इच्छा के बारे में बात करता है। जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है, सेना में शामिल होने की उसकी इच्छा और भी तीव्र होती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी की कहानी है। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। शेरशाह ने 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मल्होत्रा और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आडवाणी सहित 19 नामांकन के साथ नृत्य किया, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णु वर्धन, सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक तानिष्क बागची, बी प्राक, जसलीन रोयल, जावेद मोहसिन और विक्रम मोटरस, सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक प्राक मन भारिया के लिए एक, और श्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका आशीष कौर रतन लांबिया के लिए सहित 7 नामांकन जीते हैं। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में फिल्म के विशेष जूरी पुरस्कार फीचर फिल्म विष्णु वर्धन और जोर ने जीता है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। इस मूवी की कहानी भी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की कहानी भी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, यह मूवी आपको क्लिप वाइज फेसबुक पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आप एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है, तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है, तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों, आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा।
और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो के OTT प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है, तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी शेरशाह मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं शेरशाह मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन से आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। 12 अगस्त 2021 को रिलीज हुई वॉर एक्शन मूवी शेरशाह, इस मूवी को डायरेक्ट के विष्णु वर्धन ने, हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट के विष्णु वर्धन ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको देखने को भी मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। इस मूवी को 54% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है, तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की IMDb रीडिंग की, तो 10 में से 8.3 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। और दोस्तों इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों इस मूवी को 92% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है, तो यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको सिद्धार्थ मल्होत्रा, कियारा आडवाणी, मनमीत कौर, मुनीरा कुदरती, शिव पंडित, सता फिगर आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो यह मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए। ये बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी, तो धर्मा प्रोडक्शन द्वारा इस यह मूवी को डायरेक्ट किया गया है। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में, तो मई 2019 में घोषित मुख्य फोटोग्राफी उसी महीने शुरू हुई है, जनवरी 2020 में समाप्त हुई है। शुरुआत में 3 जुलाई 2020 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण फिल्म को स्थगित कर दिया गया है। फिल्म को प्राइम 12 अगस्त 2021 को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया था। शेरशाह को आलोचना दर्शकों दोनों से ही सकारात्मक समीक्षा मिली है। अभिनय विशेष रूप से मल्होत्रा और आडवाणी की, निर्देश संगीत छायांकन एक्शन स्केच संपन्न दृश्य भावुकों का आलोचना और काफी प्रशंसा मिली है। हालांकि लेखक और आलोचनाओं मिली, 31 अगस्त 2021 को अमेजन ने कहा कि शेरशाह भारत में प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा देखने वाली भारतीय फिल्म बन गई है। युवा विक्रम क्रिकेट खेल रहा होता है, तभी वह एक गेंद को लेकर बड़े किशोर बच्चे के से झगड़ा पाता है, जिससे उसके निडर स्वभाव का पता चलता है, जिसे वह बाद में जाना चाहता है। विक्रम टीवी सीरीज परमवीर चक्र देखकर भारतीय सेना में शामिल होने की अपनी इच्छा के बारे में बात करता है। जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है, सेना में शामिल होने की उसकी इच्छा और भी तीव्र होती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी है। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। शेरशाह ने 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मल्होत्रा और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आडवाणी सहित 19 नामांकन के साथ नृत्य किया, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णु वर्धन, सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक तानिष्क बागची, बी प्राक, जसलीन रोयल, जावेद मोहसिन और विक्रम मोटरस, सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक प्राक मन भारिया के लिए एक, और श्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका आशीष कौर रतन लांबिया के लिए सहित 7 नामांकन जीते हैं। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में फिल्म के
विशेष जूरी पुरस्कार फीचर फिल्म विष्णु वर्धन और जोर ने जीता है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। इस मूवी की कहानी भी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की कहानी भी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको क्लिप वाइज फेसबुक पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आप एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो की OTT प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी शेरशाह मूवी को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं शेरशाह मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन से आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। 12 अगस्त 2021 को रिलीज हुई वॉर एक्शन मूवी शेरशाह, इस मूवी को डायरेक्ट किया विष्णु वर्धन ने। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया विष्णु वर्धन ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको देखने को भी मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। इस मूवी को 54% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की IMDB रीडिंग की, तो 10 में से 8.3 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। और दोस्तों इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों इस मूवी को 92% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको सिद्धार्थ मल्होत्रा, कियारा आडवाणी, मनमीत कौर, मुनीरा कुदरती, शिव पंडित, सताब फिगर आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते नजर आए हैं। तो यह मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए। ये बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी, तो धर्मा प्रोडक्शन द्वारा इस यह मूवी को डायरेक्ट किया गया है। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में, तो मई 2019 में घोषित मुख्य फोटोग्राफी उसी महीने शुरू हुई है, जनवरी 2020 में समाप्त हुई है। शुरुआत में 3 जुलाई 2020 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण फिल्म को स्थगित कर दिया गया है। फिल्म को प्राइम 12 अगस्त 2021 को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया था। शेरशाह को आलोचना और दर्शकों दोनों से ही सकारात्मक समीक्षा मिली है। अभिनय विशेष रूप से मल्होत्रा और आडवाणी की, निर्देश संगीत छायांकन एक्शन स्केच संपन्न दृश्य भावुकों को आलोचना और काफी प्रशंसा मिली है।
हालांकि लेखक और आलोचनाओं मिली 31 अगस्त 2021 को अमेजन ने कहा कि शेरशाह भारत में प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा देखने वाली भारतीय फिल्म बन गई है। युवा विक्रम क्रिकेट खेल रहा होता है तभी वह एक गेंद को लेकर बड़े किशोर बच्चे के से झगड़ा पाता है जिससे उसके निडर स्वभाव का पता चलता है जिसे वह बाद में जाना चाहता है। विक्रम टीवी सीरीज परमवीर चक्र देखकर भारतीय सेना में शामिल होने की अपनी इच्छा के बारे में बात करता है। जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है सेना में शामिल होने की उसकी इच्छा और भी तीव्र होती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी है। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। शेरशाह ने 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मल्होत्रा और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आडवाणी सहित 19 नामांकन के साथ नृत्य किया और सर्वश्रेष्ठ फिल्म सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णुवर्धन सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक तानिष्क बागची बी प्राक जसलीन रोयल जावेद मोहसिन और विक्रम मोटरोस सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक प्राक मन भारिया के लिए एक और सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका आशीष कौर रतन लांबिया के लिए सहित 7 नामांकन जीते हैं। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में फिल्म के लिए विशेष जूरी पुरस्कार फीचर फिल्म विष्णुवर्धन और जोर ने जीता है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। इस मूवी की कहानी भी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की कहानी भी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको क्लिप वाइज फेसबुक पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आप एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो की OTT प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी शेरशाह मूवी को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं शेरशाह मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन से आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। 12 अगस्त 2021 को रिलीज हुई वॉर एक्शन मूवी शेरशाह, इस मूवी को डायरेक्ट किया विष्णुवर्धन ने। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया विष्णुवर्धन ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको देखने को भी मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। इस मूवी को 54% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की IMDB रीडिंग की, तो 10 में से 8.3 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। और दोस्तों इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों इस मूवी को 92% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है।
तो यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको सिद्धार्थ मल्होत्रा, कियारा आडवाणी, मनमीत कौर, मुनीरा कुदरती, शिव पंडित, सताब फिगर आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो यह मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए। ये बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी धर्मा प्रोडक्शन द्वारा यह मूवी को डायरेक्ट किया गया है। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में, तो मई 2019 में घोषित मुख्य फोटोग्राफी उसी महीने शुरू हुई है, जनवरी 2020 में समाप्त हुई है। शुरुआत में 3 जुलाई 2020 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण फिल्म को स्थगित कर दिया गया है। फिल्म को प्राइम 12 अगस्त 2021 को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया था। शेरशाह को आलोचना और दर्शकों दोनों से ही सकारात्मक समीक्षा मिली है। अभिनय विशेष रूप से मल्होत्रा और आडवाणी की, निर्देश संगीत छायांकन एक्शन इसके संपन्न दृश्य भावुकों का आलोचना और काफी प्रशंसा मिली है। हालांकि लेखक और आलोचनाओं मिली 31 अगस्त 2021 को अमेजन ने कहा कि शेरशाह भारत में प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा देखने वाली भारतीय फिल्म बन गई है। युवा विक्रम क्रिकेट खेल रहा होता है, तभी वह एक गेंद को लेकर बड़े किशोर बच्चे के से झगड़ा पाता है, जिससे उसके निडर स्वभाव का पता चलता है, जिसे वह बाद में जाना चाहता है। विक्रम टीवी सीरीज परमवीर चक्र देखकर भारतीय सेना में शामिल होने की अपनी इच्छा के बारे में बात करता है। जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है, सेना में शामिल होने की उसकी इच्छा और भी तीव्र होती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी है। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। शेरशाह ने 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मल्होत्रा और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आडवाणी सहित 19 नामांकन के साथ नृत्य किया और सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णुवर्धन, सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक तानिष्क बागची, बी प्राक, जसलीन रोयल, जावेद मोहसिन और विक्रम मोटरोस, सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक प्राक मन भारिया के लिए एक और सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका आशीष कौर रतन लांबिया के लिए सहित 7 नामांकन जीते हैं। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में फिल्म के लिए विशेष जूरी पुरस्कार फीचर फिल्म विष्णुवर्धन और जोर ने जीता है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। इस मूवी की कहानी भी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की कहानी भी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको क्लिप वाइज फेसबुक पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आप एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो की OTT प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी शेरशाह मूवी को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं शेरशाह मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन से आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा।
12 अगस्त 2021 को रिलीज हुई वॉर एक्शन मूवी शेरशाह। इस मूवी को डायरेक्ट के विष्णु वर्धन ने, हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट के विष्णु वर्धन ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको देखने को भी मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। इस मूवी को 54% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की IMDb रीडिंग की, तो 10 में से 8.3 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। और दोस्तों इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों इस मूवी को 92% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको सिद्धार्थ मल्होत्रा, कियारा आडवाणी, मनमीत कौर, मुनीरा कुदरती, शिव पंडित, सताब फिगर आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो यह मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए। ये बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी, तो धर्मा प्रोडक्शन द्वारा इस यह मूवी को डायरेक्ट किया गया है। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में, तो मई 2019 में घोषित मुख्य फोटोग्राफी उसी महीने शुरू हुई है, जनवरी 2020 में समाप्त हुई है। शुरुआत में 3 जुलाई 2020 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण फिल्म को स्थगित कर दिया गया है। फिल्म को प्राइम 12 अगस्त 2021 को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया था। शेरशाह को आलोचना और दर्शकों दोनों से ही सकारात्मक समीक्षा मिली है। अभिनय विशेष रूप से मल्होत्रा और आडवाणी की, निर्देश संगीत छायांकन एक्शन स्केच संपन्न दृश्य भावुकों का आलोचना और काफी प्रशंसा मिली है। हालांकि लेखक और आलोचनाओं मिली 31 अगस्त 2021 को अमेजन ने कहा कि शेरशाह भारत में प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा देखने वाली भारतीय फिल्म बन गई है। युवा विक्रम क्रिकेट खेल रहा होता है, तभी वह एक गेंद को लेकर बड़े किशोर बच्चे के से झगड़ा पाता है, जिससे उसके निडर स्वभाव का पता चलता है, जिसे वह बाद में जाना चाहता है। विक्रम टीवी सीरीज परमवीर चक्र देखकर भारतीय सेना में शामिल होने की अपनी इच्छा के बारे में बात करता है। जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है, सेना में शामिल होने की उसकी इच्छा और भी तीव्र होती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी है। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। शेरशाह ने 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मल्होत्रा और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आडवाणी सहित 19 नामांकन के साथ नृत्य किया और सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णु वर्धन, सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक तानिष्क बागची, बी प्राक, जसलीन रोयल, जावेद मोहसिन और विक्रम मोटरोस, सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक प्राक मन भारिया के लिए एक और श्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका आशीष कौर रतन लांबिया के लिए सहित 7 नामांकन जीते हैं। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में फिल्म के विशेष जूरी पुरस्कार फीचर फिल्म विष्णु वर्धन और जोर ने जीता है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। इस मूवी की कहानी भी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की कहानी भी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है।
तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको क्लिप वाइज फेसबुक पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आप एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो की OTT प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी शेरशाह मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं शेरशाह मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। 12 अगस्त 2021 को रिलीज हुई वॉर एक्शन मूवी शेरशाह, इस मूवी को डायरेक्ट के विष्णु वर्धन ने, हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट के विष्णु वर्धन ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको देखने को भी मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। इस मूवी को 54% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की IMDB रीडिंग की, तो 10 में से 8.3 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। और दोस्तों इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों इस मूवी को 92% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको सिद्धार्थ मल्होत्रा, कियारा आडवाणी, मनमीत कौर, मुनीरा कुदरती, शिव पंडित, सता फिगर आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो यह मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए। ये बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी, तो धर्मा प्रोडक्शन द्वारा इस यह मूवी को डायरेक्ट किया गया है। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में, तो मई 2019 में घोषित मुख्य फोटोग्राफी उसी महीने शुरू हुई है, जनवरी 2020 में समाप्त हुई है। शुरुआत में 3 जुलाई 2020 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण फिल्म को स्थगित कर दिया गया है। फिल्म को प्राइम 12 अगस्त 2021 को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया था। शेरशाह को आलोचना दर्शकों दोनों से ही सकारात्मक समीक्षा मिली है। अभिनय विशेष रूप से मल्होत्रा और आडवाणी की, निर्देश संगीत छायांकन एक्शन स्केच संपन्न दृश्य भावकों का आलोचना और काफी प्रशंसा मिली है। हालांकि लेखक और आलोचनाओं मिली, 31 अगस्त 2021 को अमेजन ने कहा कि शेरशाह भारत में प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा देखने वाली भारतीय फिल्म बन गई है।
युवा विक्रम क्रिकेट खेल रहा होता है, तभी वह एक गेंद को लेकर बड़े किशोर बच्चे के से झगड़ा पाता है, जिससे उसके निडर स्वभाव का पता चलता है, जिसे वह बाद में जाना चाहता है। विक्रम टीवी सीरीज परमवीर चक्र देखकर भारतीय सेना में शामिल होने की अपनी इच्छा के बारे में बात करता है। जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है, सेना में शामिल होने की उसकी इच्छा और भी तीव्र होती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी की कहानी है। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। शेरशाह ने 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मल्होत्रा और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आडवाणी सहित 19 नामांकन के साथ नृत्य किया और सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णु वर्धन, सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक तानिष्क बागची, बी प्राक, जसलीन रोयल, जावेद मोहसिन और विक्रम मोटरस, सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक प्राक मन भारिया के लिए एक और सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका आशीष कौर रतन लांबिया के लिए सहित 7 नामांकन जीते हैं। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में फिल्म के विशेष जूरी पुरस्कार फीचर फिल्म विष्णु वर्धन और जोर ने जीता है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। इस मूवी की कहानी भी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की कहानी भी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, यह मूवी आपको क्लिप वाइज फेसबुक पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आप एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों, आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, यह मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो की OTT प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों, अगर आप भी शेरशाह मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं शेरशाह मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन से आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। 12 अगस्त 2021 को रिलीज हुई वॉर एक्शन मूवी शेरशाह, इस मूवी को डायरेक्ट किया विष्णु वर्धन ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया विष्णु वर्धन ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, यह मूवी आपको देखने को भी मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। इस मूवी को 54% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की IMDb रीडिंग की, तो 10 में से 8.3 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। और दोस्तों, इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों, इस मूवी को 92% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों, इस मूवी के अंदर आपको सिद्धार्थ मल्होत्रा, कियारा आडवाणी,
मनमीत कौर, मुनीरा कुदरती, शिव पंडित, सता फिगर आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो यह मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए। ये बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी धर्मा प्रोडक्शन द्वारा इस यह मूवी को डायरेक्ट किया गया है। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तो मई 2019 में घोषित मुख्य फोटोग्राफी उसी महीने शुरू हुई है, जनवरी 2020 में समाप्त हुई है। शुरुआत में 3 जुलाई 2020 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण फिल्म को स्थगित कर दिया गया है। फिल्म को प्राइम 12 अगस्त 2021 को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया था। शेरशाह को आलोचना दर्शकों दोनों से ही सकारात्मक समीक्षा मिली है। अभिनय विशेष रूप से मल्होत्रा और आडवाणी की, निर्देश संगीत छायांकन एक्शन स्केच संपन्न दृश्य भावुकों को आलोचना और काफी प्रशंसा मिली है। हालांकि लेखक और आलोचनाओं मिली 31 अगस्त 2021 को अमेजन ने कहा कि शेरशाह भारत में प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा देखने वाली भारतीय फिल्म बन गई है। युवा विक्रम क्रिकेट खेल रहा होता है, तभी वह एक गेंद को लेकर बड़े किशोर बच्चे के से झगड़ा पाता है, जिससे उसके निडर स्वभाव का पता चलता है, जिसे वह बाद में जाना चाहता है। विक्रम टीवी सीरीज परमवीर चक्र देखकर भारतीय सेना में शामिल होने की अपनी इच्छा के बारे में बात करता है। जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है, सेना में शामिल होने की उसकी इच्छा और भी तीव्र होती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी है। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। शेरशाह ने 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मल्होत्रा और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आडवाणी सहित 19 नामांकन के साथ नृत्य किया और सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णु वर्धन, सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक तानिष्क बागची, बी प्राक, जसलीन रोयल, जावेद मोहसिन और विक्रम मोटरस, सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक प्राक मन भारिया के लिए एक और श्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका आशीष कौर रतन लांबिया के लिए सहित 7 नामांकन जीते हैं। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में फिल्म के विशेष जूरी पुरस्कार फीचर फिल्म विष्णु वर्धन और जोर ने जीता है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। इस मूवी की कहानी भी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की कहानी भी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको क्लिप वाइज फेसबुक पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आप एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो की OTT प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी शेरशाह मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं शेरशाह मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन से आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। 12 अगस्त 2021 को रिलीज हुई वॉर एक्शन मूवी शेरशाह, इस मूवी को डायरेक्ट किया विष्णु वर्धन ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया विष्णु वर्धन ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस
मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, यह मूवी आपको देखने को भी मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। इस मूवी को 54% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की IMDb रीडिंग की, तो 10 में से 8.3 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। और दोस्तों, इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों, इस मूवी को 92% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको सिद्धार्थ मल्होत्रा, कियारा आडवाणी, मनमीत कौर, मुनीरा कुदरती, शिव पंडित, सताब फिगर आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो यह मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए। ये बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी, तो धर्मा प्रोडक्शन द्वारा यह मूवी को डायरेक्ट किया गया है। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में, तो मई 2019 में घोषित मुख्य फोटोग्राफी उसी महीने शुरू हुई है, जनवरी 2020 में समाप्त हुई है। शुरुआत में 3 जुलाई 2020 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण फिल्म को स्थगित कर दिया गया है। फिल्म को प्राइम 12 अगस्त 2021 को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया था। शेरशाह को आलोचना दर्शकों दोनों से ही सकारात्मक समीक्षा मिली है। अभिनय विशेष रूप से मल्होत्रा और आडवाणी की, निर्देश संगीत छायांकन एक्शन स्केच संपन्न दृश्य भावुकों का आलोचना और काफी प्रशंसा मिली है। हालांकि लेखक और आलोचनाओं मिली 31 अगस्त 2021 को अमेजन ने कहा कि शेरशाह भारत में प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा देखने वाली भारतीय फिल्म बन गई है। युवा विक्रम क्रिकेट खेल रहा होता है, तभी वह एक गेंद को लेकर बड़े किशोर बच्चे के से झगड़ा पाता है, जिससे उसके निडर स्वभाव का पता चलता है, जिसे वह बाद में जाना चाहता है। विक्रम टीवी सीरीज परमवीर चक्र देखकर भारतीय सेना में शामिल होने की अपनी इच्छा के बारे में बात करता है। जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है, सेना में शामिल होने की उसकी इच्छा और भी तीव्र होती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी की कहानी है। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। शेरशाह ने 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मल्होत्रा और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आडवाणी सहित 19 नामांकन के साथ नृत्य किया और सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णु वर्धन, सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक तानिष्क बागची, बी प्राक, जसलीन रोयल, जावेद मोहसिन और विक्रम मोटरस, सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक प्राक मन भारिया के लिए एक और श्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका आशीष कौर रतन लांबिया के लिए सहित 7 नामांकन जीते हैं। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में फिल्म के विशेष जूरी पुरस्कार फीचर फिल्म विष्णु वर्धन और जोर ने जीता है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। इस मूवी की कहानी भी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की कहानी भी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, यह मूवी आपको क्लिप वाइज फेसबुक पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आप एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है, तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा।
हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों, आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, यह मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो की OTT प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों, अगर आप भी शेरशाह मूवी को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं शेरशाह मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन से आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। 12 अगस्त 2021 को रिलीज हुई वॉर एक्शन मूवी शेरशाह। इस मूवी को डायरेक्ट के विष्णु वर्धन ने, हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट के विष्णु वर्धन ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, यह मूवी आपको देखने को भी मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी, इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। इस मूवी को 54% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की IMDb रीडिंग की, तो 10 में से 8.3 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। और दोस्तों, इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों, इस मूवी को 92% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको सिद्धार्थ मल्होत्रा, कियारा आडवाणी, मनमीत कौर, मुनीरा कुदरती, शिव पंडित, सताब फिगर आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते नजर आए हैं। तो यह मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए। ये बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी, तो धर्मा प्रोडक्शन द्वारा इस यह मूवी को डायरेक्ट किया गया है। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में, तो मई 2019 में घोषित मुख्य फोटोग्राफी उसी महीने शुरू हुई है, जनवरी 2020 में समाप्त हुई है। शुरुआत में 3 जुलाई 2020 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण फिल्म को स्थगित कर दिया गया है। फिल्म को प्राइम 12 अगस्त 2021 को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया था। शेरशाह को आलोचना और दर्शकों दोनों से ही सकारात्मक समीक्षा मिली है। अभिनय विशेष रूप से मल्होत्रा और आडवाणी की, निर्देश संगीत छायांकन एक्शन इसके संपन्न दृश्य भावुकों का आलोचना और काफी प्रशंसा मिली है। हालांकि लेखक और आलोचनाओं मिली 31 अगस्त 2021 को अमेजन ने कहा कि शेरशाह भारत में प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा देखने वाली भारतीय फिल्म बन गई है। युवा विक्रम क्रिकेट खेल रहा होता है, तभी वह एक गेंद को लेकर बड़े किशोर बच्चे के से झगड़ा पाता है, जिससे उसके निडर स्वभाव का पता चलता है, जिसे वह बाद में जाना चाहता है। विक्रम टीवी सीरीज परमवीर चक्र देखकर भारतीय सेना में शामिल होने की अपनी इच्छा के बारे में बात करता है। जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है, सेना में शामिल होने की उसकी इच्छा और भी तीव्र होती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी की कहानी है। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। शेरशाह ने 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मल्होत्रा और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आडवाणी सहित 19 नामांकन के साथ नृत्य किया, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णु वर्धन, सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक तानिष्क बागची, बी प्राक, जसलीन रोयल, जावेद मोहसिन और विक्रम मोटरोस, सर्वश्रेष्ठ पुरुष
पार्श्व गायक प्राक मन भारिया के लिए एक और श्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका आशीष कौर रतन लांबिया के लिए सहित 7 नामांकन जीते हैं। 69 में वे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में फिल्म के लिए विशेष जूरी पुरस्कार फीचर फिल्म विष्णुवर्धन और जोर ने जीता है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। इस मूवी की कहानी भी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की कहानी भी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको क्लिप वाइज फेसबुक पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आप एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो की OTT प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी शेरशाह मूवी को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं शेरशाह मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन से आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। 12 अगस्त 2021 को रिलीज हुई वॉर एक्शन मूवी शेरशाह, इस मूवी को डायरेक्ट किया विष्णुवर्धन ने। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया विष्णुवर्धन ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको देखने को भी मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। इस मूवी को 54% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की IMDB रीडिंग की, तो 10 में से 8.3 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। और दोस्तों इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों इस मूवी को 92% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको सिद्धार्थ मल्होत्रा, कियारा आडवाणी, मनमीत कौर, मुनीरा कुदरती, शिव पंडित, सताब फिगर आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते नजर आए हैं। तो यह मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए। ये बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी, तो धर्मा प्रोडक्शन द्वारा इस यह मूवी को डायरेक्ट किया गया है। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में, तो मई 2019 में घोषित मुख्य फोटोग्राफी उसी महीने शुरू हुई है, जनवरी 2020 में समाप्त हुई है। शुरुआत में 3 जुलाई 2020 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण फिल्म को स्थगित कर दिया गया है। फिल्म को प्राइम
12 अगस्त 2021 को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया था। शेरशाह को आलोचना और दर्शकों दोनों से ही सकारात्मक समीक्षा मिली है। अभिनय विशेष रूप से मल्होत्रा और आडवाणी की निर्देश, संगीत, छायांकन, एक्शन के संपन्न दृश्य, भावुकों का आलोचना और काफी प्रशंसा मिली है। हालांकि लेखक और आलोचनाओं मिली 31 अगस्त 2021 को अमेजन ने कहा कि शेरशाह भारत में प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा देखने वाली भारतीय फिल्म बन गई है। युवा विक्रम क्रिकेट खेल रहा होता है, तभी वह एक गेंद को लेकर बड़े किशोर बच्चे के से झगड़ा पाता है, जिससे उसके निडर स्वभाव का पता चलता है, जिसे वह बाद में जाना चाहता है। विक्रम टीवी सीरीज परमवीर चक्र देखकर भारतीय सेना में शामिल होने की अपनी इच्छा के बारे में बात करता है। जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है, सेना में शामिल होने की उसकी इच्छा और भी तीव्र होती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी की कहानी है। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। शेरशाह ने 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मल्होत्रा और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आडवाणी सहित 19 नामांकन के साथ नृत्य किया और सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णुवर्धन, सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक तानिष्क बागची, बी प्राक, जसलीन रोयल, जावेद मोहसिन और विक्रम मोटरोस, सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक प्राक मन भारिया के लिए एक और सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका आशीष कौर रतन लांबिया के लिए सहित 7 नामांकन जीते हैं। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में फिल्म के लिए विशेष जूरी पुरस्कार फीचर फिल्म विष्णुवर्धन और जोर ने जीता है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। इस मूवी की कहानी भी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की कहानी भी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी, इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, यह मूवी आपको क्लिप वाइज फेसबुक पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आप एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों, आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, यह मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो की OTT प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों, अगर आप भी शेरशाह मूवी को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं शेरशाह मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन से आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। 12 अगस्त 2021 को रिलीज हुई वॉर एक्शन मूवी शेरशाह, इस मूवी को डायरेक्ट किया विष्णुवर्धन ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया विष्णुवर्धन ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, यह मूवी आपको देखने को भी मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी, इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। इस मूवी को 54% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है।
बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग की तो 10 में से 8.3 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है और दोस्तों इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों इस मूवी को 92% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको सिद्धार्थ मल्होत्रा, कियारा आडवाणी, मनमीत कौर, मुनीरा कुदरती, शिव पंडित, सताब फिगर आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो यह मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए। ये बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी धर्मा प्रोडक्शन द्वारा यह मूवी को डायरेक्ट किया गया है। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तो मई 2019 में घोषित मुख्य फोटोग्राफी उसी महीने शुरू हुई है, जनवरी 2020 में समाप्त हुई है। शुरुआत में 3 जुलाई 2020 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण फिल्म को स्थगित कर दिया गया है। फिल्म को प्राइम 12 अगस्त 2021 को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया था। शेरशाह को आलोचना और दर्शकों दोनों से ही सकारात्मक समीक्षा मिली है। अभिनय विशेष रूप से मल्होत्रा और आडवाणी की, निर्देश संगीत छायांकन एक्शन इसके संपन्न दृश्य भावुकों का आलोचना और काफी प्रशंसा मिली है। हालांकि लेखक और आलोचनाओं मिली 31 अगस्त 2021 को अमेजन ने कहा कि शेरशाह भारत में प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा देखने वाली भारतीय फिल्म बन गई है। युवा विक्रम क्रिकेट खेल रहा होता है, तभी वह एक गेंद को लेकर बड़े किशोर बच्चे के से झगड़ा पाता है, जिससे उसके निडर स्वभाव का पता चलता है, जिसे वह बाद में जाना चाहता है। विक्रम टीवी सीरीज परमवीर चक्र देखकर भारतीय सेना में शामिल होने की अपनी इच्छा के बारे में बात करता है। जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है, सेना में शामिल होने की उसकी इच्छा और भी तीव्र होती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी है। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। शेरशाह ने 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मल्होत्रा और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आडवाणी सहित 19 नामांकन के साथ नृत्य किया और सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णुवर्धन, सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक तानिष्क बागची, बी प्राक, जसलीन रोयल, जावेद मोहसिन और विक्रम मोटरोस, सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक प्राक मन भारिया के लिए एक और सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका आशीष कौर रतन लांबिया के लिए सहित 7 नामांकन जीते हैं। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में फिल्म के लिए विशेष जूरी पुरस्कार फीचर फिल्म विष्णुवर्धन और जोर ने जीता है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। इस मूवी की कहानी भी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की कहानी भी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको क्लिप वाइज फेसबुक पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आप एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो की OTT प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी शेरशाह मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं शेरशाह मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन से आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा।
12 अगस्त 2021 को रिलीज हुई वॉर एक्शन मूवी शेरशाह। इस मूवी को डायरेक्ट के विष्णु वर्धन ने, हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट के विष्णु वर्धन ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको देखने को भी मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। इस मूवी को 54% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग की तो 10 में से 8.3 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। और दोस्तों इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों इस मूवी को 92% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको सिद्धार्थ मल्होत्रा, कियारा आडवाणी, मनमीत कौर, मुनीरा कुदरती, शिव पंडित, सताब फिगर आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो यह मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए। ये बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी धर्मा प्रोडक्शन द्वारा यह मूवी को डायरेक्ट किया गया है। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तो मई 2019 में घोषित मुख्य फोटोग्राफी उसी महीने शुरू हुई है, जनवरी 2020 में समाप्त हुई है। शुरुआत में 3 जुलाई 2020 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण फिल्म को स्थगित कर दिया गया है। फिल्म को प्राइम 12 अगस्त 2021 को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया था। शेरशाह को आलोचना दर्शकों दोनों से ही सकारात्मक समीक्षा मिली है। अभिनय विशेष रूप से मल्होत्रा और आडवाणी की, निर्देश संगीत छायांकन एक्शन स्केच संपन्न दृश्य भावुकों का आलोचना और काफी प्रशंसा मिली है। हालांकि लेखक और आलोचनाओं मिली 31 अगस्त 2021 को अमेजन ने कहा कि शेरशाह भारत में प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा देखने वाली भारतीय फिल्म बन गई है। युवा विक्रम क्रिकेट खेल रहा होता है, तभी वह एक गेंद को लेकर बड़े किशोर बच्चे के से झगड़ा पाता है, जिससे उसके निडर स्वभाव का पता चलता है, जिसे वह बाद में जाना चाहता है। विक्रम टीवी सीरीज परमवीर चक्र देखकर भारतीय सेना में शामिल होने की अपनी इच्छा के बारे में बात करता है। जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है, सेना में शामिल होने की उसकी इच्छा और भी तीव्र होती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी है। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। शेरशाह ने 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मल्होत्रा और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आडवाणी सहित 19 नामांकन के साथ नृत्य किया और सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णु वर्धन, सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक तानिष्क बागची, बी प्राक, जसलीन रोयल, जावेद मोहसिन और विक्रम मोटरस, सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक प्राक मन भारिया के लिए एक और श्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका आशीष कौर रतन लांबिया के लिए सहित 7 नामांकन जीते हैं। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में फिल्म के विशेष जूरी पुरस्कार फीचर फिल्म विष्णु वर्धन और जोर ने जीता है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। इस मूवी की कहानी भी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की कहानी भी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको
आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको क्लिप वाइज फेसबुक पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आप एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो की OTT प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी शेरशाह मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं शेरशाह मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। 12 अगस्त 2021 को रिलीज हुई वॉर एक्शन मूवी शेरशाह, इस मूवी को डायरेक्ट के विष्णु वर्धन ने, हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट के विष्णु वर्धन ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको देखने को भी मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। इस मूवी को 54% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की IMDb रीडिंग की तो 10 में से 8.3 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। और दोस्तों इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों इस मूवी को 92% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको सिद्धार्थ मल्होत्रा, कियारा आडवाणी, मनमीत कौर, मुनीरा कुदरती, शिव पंडित, सता फिगर आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो यह मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए। ये बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी धर्मा प्रोडक्शन द्वारा यह मूवी को डायरेक्ट किया गया है। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तो मई 2019 में घोषित मुख्य फोटोग्राफी उसी महीने शुरू हुई है, जनवरी 2020 में समाप्त हुई है। शुरुआत में 3 जुलाई 2020 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण फिल्म को स्थगित कर दिया गया है। फिल्म को प्राइम 12 अगस्त 2021 को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया था। शेरशाह को आलोचना दर्शकों दोनों से ही सकारात्मक समीक्षा मिली है। अभिनय विशेष रूप से मल्होत्रा और आडवाणी की, निर्देश संगीत छायांकन एक्शन स्केच संपन्न दृश्य भावुकों का आलोचना और काफी प्रशंसा मिली है। हालांकि लेखक और आलोचनाओं मिली 31 अगस्त 2021 को अमेजन ने कहा कि शेरशाह भारत में प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा देखने वाली भारतीय फिल्म बन गई है।
युवा विक्रम क्रिकेट खेल रहा होता है, तभी वह एक गेंद को लेकर बड़े किशोर बच्चे के से झगड़ा पाता है, जिससे उसके निडर स्वभाव का पता चलता है, जिसे वह बाद में जाना चाहता है। विक्रम टीवी सीरीज परमवीर चक्र देखकर भारतीय सेना में शामिल होने की अपनी इच्छा के बारे में बात करता है। जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है, सेना में शामिल होने की उसकी इच्छा और भी तीव्र होती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी की कहानी है। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। शेरशाह ने 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मल्होत्रा और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आडवाणी सहित 19 नामांकन के साथ नृत्य किया और सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णु वर्धन, सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक तानिष्क बागची, बी प्राक, जसलीन रोयल, जावेद मोहसिन और विक्रम मोटरस, सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक प्राक मन भारिया के लिए एक और सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका आशीष कौर रतन लांबिया के लिए सहित 7 नामांकन जीते हैं। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में फिल्म के विशेष जूरी पुरस्कार फीचर फिल्म विष्णु वर्धन और जोर ने जीता है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। इस मूवी की कहानी भी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की कहानी भी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, यह मूवी आपको क्लिप वाइज फेसबुक पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आप एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों, आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, यह मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो की OTT प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों, अगर आप भी शेरशाह मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं शेरशाह मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। 12 अगस्त 2021 को रिलीज हुई वॉर एक्शन मूवी शेरशाह, इस मूवी को डायरेक्ट किया विष्णु वर्धन ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया विष्णु वर्धन ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, यह मूवी आपको देखने को भी मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। इस मूवी को 54% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की IMDb रीडिंग की, तो 10 में से 8.3 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। और दोस्तों, इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों, इस मूवी को 92% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों, इस मूवी के अंदर आपको सिद्धार्थ मल्होत्रा, कियारा आडवाणी,
मनमीत कौर, मुनीरा कुदरती, शिव पंडित, सता फिगर आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो यह मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए। ये बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी धर्मा प्रोडक्शन द्वारा इस यह मूवी को डायरेक्ट किया गया है। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तो मई 2019 में घोषित मुख्य फोटोग्राफी उसी महीने शुरू हुई है, जनवरी 2020 में समाप्त हुई है। शुरुआत में 3 जुलाई 2020 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण फिल्म को स्थगित कर दिया गया है। फिल्म को प्राइम 12 अगस्त 2021 को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया था। शेरशाह को आलोचना दर्शकों दोनों से ही सकारात्मक समीक्षा मिली है। अभिनय विशेष रूप से मल्होत्रा और आडवाणी की, निर्देश संगीत छायांकन एक्शन स्केच संपन्न दृश्य भावुकों का आलोचना और काफी प्रशंसा मिली है। हालांकि लेखक और आलोचनाओं मिली 31 अगस्त 2021 को अमेजन ने कहा कि शेरशाह भारत में प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा देखने वाली भारतीय फिल्म बन गई है। युवा विक्रम क्रिकेट खेल रहा होता है, तभी वह एक गेंद को लेकर बड़े किशोर बच्चे के से झगड़ा पाता है, जिससे उसके निडर स्वभाव का पता चलता है, जिसे वह बाद में जाना चाहता है। विक्रम टीवी सीरीज परमवीर चक्र देखकर भारतीय सेना में शामिल होने की अपनी इच्छा के बारे में बात करता है। जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है, सेना में शामिल होने की उसकी इच्छा और भी तीव्र होती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी है। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। शेरशाह ने 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मल्होत्रा और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आडवाणी सहित 19 नामांकन के साथ नृत्य किया और सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णु वर्धन, सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक तानिष्क बागची, बी प्राक, जसलीन रोयल, जावेद मोहसिन और विक्रम मोटरस, सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक प्राक मन भारिया के लिए एक और श्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका आशीष कौर रतन लांबिया के लिए सहित 7 नामांकन जीते हैं। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में फिल्म के विशेष जूरी पुरस्कार फीचर फिल्म विष्णु वर्धन और जोर ने जीता है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। इस मूवी की कहानी भी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की कहानी भी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको क्लिप वाइज फेसबुक पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आप एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो की OTT प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।